राजा नाराज, पाना न पान, देवा न देव, उपमा महान, चवर शतर, तख्त दे मालक, जुगो जुग अटल। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जी दे पावन चरण कमला अंदर सुभाई मान गुरु साध संगत जीओ, आओ सुरत टिकाइए गुरुदेव दे चरणा दे विच। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज तुट के अपने बचना दे नाल निहाल पई करदे ने। मेहरा भरिया हाथ सतगुरु ने कीता है, इस मेहर दा आनंद माणिए। अज जो बचन गुरदेव गुरु तेग बहादुर साहिब ने कीता है, करो कृपा गुरु साध संगत जीओ, एकाग्रता बख्शो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज बचन करन लगे। प्यारे संसार दे अंदर विचरदिया विचरदिया देखिया बहुत कुछ। जदों आ देखिया समझ सारी हुई पै गई। गुरु जी संसार जगत नूं देखन दे नाल समझ कैसी पई, वो समझ की सी? कहिंदे रात नूं सुत्ता होया बंदा इंसान सुपनियां दे अंदर कदे राजा बन जांदा है, कदे सुपने दे अंदर इहो जे सुपने आउंदे उह दरिया ते वी चलदा है। जो कुछ असी नहीं कर सकते सोच नहीं सकते वह भी बंदा सुपने अंदर करता जा रहा है। जदों सुपने अंदर आ गल्लां होईयां ते मन मेरा सुपने अंदर इंज हो गया भी वाकई किते सच है। जदों सूरज चढ़िया दिन उदय होया उदों पता लग्या भी जेड़ा सारी दी सारी रात में कूड़ विच व्यापदा पिया सी असल विच सारे दा सारा झूठ सी। गुरु तेग बहादुर साहब कहन लगे जगत ता कहिंदा मैं जाग रहा पर एक लम्मी नींद सौं के एक सुपना है। सुपना केड़ा सच हो गया? रात सुपना आया सुबह जा गई, जिस असल जीवन दे विच आ गए सुपना वो सारे दा सारा झूठ सी। गुरु तेग बहादुर साहब कहन लगे मैं इस जगत नूं इस जगत दे मोह प्यार नूं झूठ करके जानदा हाँ। जगत मैं झूठी देखी प्रीत, दुनिया विच जिन्नियां भी संबंधियां ने जिन्हें भी साढ़े लागी ने मैं ना सारिया नूं तकिया ते जदों तकिया निचोड़ की निकलिया आ सारे दे सारे झूठे ने, कोई सच्चा नहीं इन्हां च। गुरदेव सच्चे तां हुंदे ही है भी अंदरों फिर बोलदा ही है जिहड़ा साडा हकार दा कीड़ा, वह कहिंदा भी नहीं ऐ नहीं हो सकदा। सच्चे तां हुंदे ही है, जिहड़े साथ निभाउंदे किते उह सच्चे नहीं हुंदे? फिर उन्हां बचन करिया हाँ अपने सुख स्यो ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। किसे इंसान नूं पुछांगे ना भी वीरे मेरे नाल चली जरा कम है, पहली गल पुछेगा जरूर भी उत्थे मेरा की कम है।
भी जे मेरा कोई कम है, मैनू कोई लाभ है, फिर तो मैं तेरे नाल चला। ठीक है, जे मेरा कोई कम ही नहीं, मैनू कोई फायदा ही नहीं, फिर मैं तेरे नाल क्यों जाऊं। वीरे मेरे नाल चल। अगों जवाब आता, मेरा की कम, कोई कम होएगा फिर ही हो जाएगा, बिना कम तो तेरे नाल नहीं तुरना। सच सामने लिया, कहन लगे अपने सुख स्यो ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत, की परिवार की घरवाली ते की इस्त्री ते की मित्र भैन भरा सब ही आ गए। फिर बचन कीता, मेरो मेरो सब कहत है, हित स्यो बाद्यो चीत, ध्यान देना केवल गुरु दे बचन। कल तो आप लैके चले, अज भी गुरदेव ने तुट के हुक्मनामे अंदर ही आए बचन बख्शे ने, जो आप जी दे चरणा ते अर्ज पे कर दे। हर कोई यही आखदा है, ए मेरा ए मेरा। असल विच जो लड़ाइयां दा कारण है ना, टक्कर देने आपस विच सिर, निक्की जी अर्ज करदे आ। जदों सुल्तानपुर लोधी दे विच आप सब नूं पता है गुरु नानक साहब ने 13-13 तोलिया, ते जदों कहन वालियां कहा गुरु नानक आ तुसी 13-13 करदे जा रहे हो, 13-13 करके आ मोदी खाना उजड़ जाएगा, आ सुल्तानपुर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जावांगे। तुसी हरेक नूं ही दे रहे हो, हरेक नूं कहने हो तेरा ही तेरा। इंज करन दे नाल बाबा जी मोदी खाना भी उजड़ेगा, इंज करन दे नाल सुल्तानपुर भी उजड़ेगा। एक बचन कीता गुरदेव ने, कहन लगे नहीं, असल विच जदों भी उजाड़ पैंदा है, जदों भी लड़ाई पैंदी है, उदों पैंदी ही मेरा मेरा करके है, 13-13 करके तां वसदे हुंदे ने, 13-13 करके तां वसदे हुंदे ने। क्योंकि वह कहन लगे जिन्ना चिर तूं तूं कर, ठीक है, कहन लगे तूं तूं करदा रहे। दो भरा ने आपस में दोने भरावान सलाह मुताबिक कहन लगे, भरावा आ तेरा है तू चक लै, दूजा कहेगा इस ते तेरा हक बनता है तू चक लै, लड़ाई बिल्कुल नहीं, पर जिदन मेरा मेरा होने लग पी गुरु वो भी मैं लै लवा, ओदा हक भी मैं मार लव, असल लड़ाइया का कारण मेरा मेरा ही बनता है। 13-13 करके तो कहते बाबा जी वसदे होंगे ने। कहन लगे मेरो मेरो सब कहत है, हित स्यो बांध्यो चीत, करदा तो मेरा मेरा है। असल विच आ सारे दा सारा जेड़ा तेरा चित है, कहन लगे मोह नल बजया होया है, बज ही मोह न लग्या। अगले बचन अंदर गुरु साहब ने कहा, अंतकाल संगी नह को यह चर्च है रीत। अंत समय कौन बनेगा, आ रीत आ चर्च है, जो आ मर्यादा है, आ चाल कैसी, पर अखीरले वेले कोई भी साथी नहीं। जगत विच अचर्ज मर्यादा चली आ रही है, चलती शुरू तो एवं ही है, अज का कम नहीं, आ शुरू तो ही चलता आ रहा है मेरा ते तेरी दा प्रसंग, पर चलता कहते बहुत समय का आ रहा है। पर जेड़ा मेरा मन है सुनता है, पता सानू सारिया नू ही है भी प्या कुछ नहीं। कहन लगे मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। ए मेरे मूरख मन, एक ध्यान जरूर दियो, गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी सारी दी सारी हिंदी विच है, लिखत भावें गुरमुख लिपि अंदर है, पर जेडे इन्हां दे बोल ने वह हिंदी अंदर ने। मन मूरख अमजू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। मन मूरख, तेनू मैं सदा सिख्या दे रहा हाँ, दे के कहन लगे थक गया, पर तू अजे तक अकल वाला नहीं होया, अकल नहीं करदा, ये बेवकूफ बंदे अजे भी अपने आप नू सुधार नहीं सकिया।
भाव नू मैं सदा ही उस नू सिख मत दिंदा दिंदा हार के टुट गया थक गया। गुरु तेग बहादुर साहब कहन लगे हुण इन्हां ने हर शब्द दे अंदर मौत नू चेते कीता है। देखो जरा परमात्मा दी खेड, हर शब्द दे अंदर मौत नू चेते कीता अते अखीर समय दे विच गुरु तेग बहादुर नू मौत ही चैलेंज आया सी। नानक भवजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत, प्रभु दे गीत गाउण दे नाल आ झूठे संसार दे समुंदर तो तू चल सकदा है। इहदे लई कीता की जाए फिर कहिंदे उपा हुंदा है। जिवें आपां कहिंदे आ ना कोई दस दे वी तुहाडे करे तां जी आ उह नाल है, ते आपां उहनूं कहिंदे आ उपाई कर दे। जिहड़े आ उपा करदे ने आ तां झूठे ने। असल विच बाबे नानक दे घरे तां उपा हुंदे ने, उस उपा दे उत्ते कदे चले ही नहीं। कहन लगे आओ साध संगत अज गुरु तेग बहादुर साहब उपा पाए करदे ने। उपाओ कैसा है? कहन लगे अब मैं कवन उपाओ करो, हे भाई दस ता सही उपा कीता किवें जाए। हुण मैं केड़ा जतन करा, केड़ा उपा करा, उपा करा इस लई उपा करदा। उपा करना किदे लई है? जेह बिद मन को संसा चुकै भाव निद पार परों। जिस तरह मेरे मन दा सहम मुक जाए, संसा मुक जाए, आपां कहिंदे आ ना संसा मुक जे किते ते देखियो संसार सारा ही संसया नाल ही भरिया है, ते संसार चलदा आ रहा ते संसे भी चलदे ही आ रहे ने। जिवें मेरा सहम मेरा संसार मुक जाए अते मैं संसार समुंदर तो पार लंघ जावां। पार लंघ भी की सकदा है? कीता की पार लंघन लई? उह फिर दसन लगे गुरु तेग बहादुर, कहन लगे जन्म पाए कछु भलो ना कीनो। जदों दा मेरे माता दे उदर दे विचों मैं निकल के आया हाँ, भाव मैं जन्म लिया है। जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, हे भाई मनुखा जन्म प्राप्त करके मैं कोई भलाई नहीं कीती। इस वास्ते मैं बहुत डरदा रहिंदा। बंदा डरदा ही है सदा। कारण की? जदों सच दे नाल जुड़ेगा ना, सानू डराउण वाले उत्ते साडे उह जे बंदे बह जांदे उह कहिंदे जे ऐं करेगा ना ते तैनू पाप लग जाएगा। असल विच जे आएगा कुछ सेवा करेगा पता तो फिर ही लगना है ना। डरा डरा के मार दो, दो दिन बंदा डरदा, तीजे दिन आना ही हट जाता भी छड परे पाप लग जाएगा। असल में आ डर कढ़ना चाहिए, आवांगे पता लगेगा फिर ही तो डर निकलना है। जन्म ले लिया, भला कुछ नहीं किया, दिनों दिन डरदा रहा। मन बच करम हार गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरों ते मेरी सोच कितने टिक गई है। मैं अपनी जिंद विच हर वेले ए चिंता करदा रहिंदा कि मैं अपने मन नाल बचन नाल कर्म नाल कदे भी परमात्मा दे गुण नहीं गा सकदा। पहला डर पैदा हो गया, फिर आपां कहिंदे आ मेरे तां कर्मां च ही नहीं है। जे कर्मां च होएगा ते सब कुछ आ जाएगा, जे नहीं कर्मां विच ते साड़ी जिहड़ी थाली है रसोई तो तैयार होके आपे साडे मंजे ते नहीं पहुँचती। जे उत्थे कहीए साडे कर्म होणगे थाल सज के आपे आ जाएगा। उदों फिर मजवाजा मारदे आ माई लिया रोटी, जे अगों फिर वह दुखी होंदी उह कहिण लगे चुक के खा लै, उदों फिर भुख सानूं फिर चुक के भी खाधी जाती है। असल विच कारण की? कर्मां नूं दोष देण वाले, मन बच कर्म हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो, बस आ सोच के बह गए, बह जाने सोच के मेरे कर्म विच ही नहीं है, कर्म अंदर ही है नहीं करिए कि। वह कहन लगे अगे चल फिर, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस जो उदर परो। जिथे तेरे कर्म तू सैट करने सी समझना सी। वह गुरमत सुनिया तो सही, बचन सुने तो सही, इतने यह नहीं क्या भी नहीं सुने। कहिंदे गुरमत नूं सुन लिया, ज्ञान नूं भी सुन लिया, पर सुनिया ते गाया तेरे पेट अंदर एवें हो गया जिवें पशु खा के अफरेवां आ जांदा है। सुनिया तां बहुत कुछ पर कहिण लगे ज्ञान लै लिया कि अफरेवां अंदर आ गया, सार जाणी नहीं, हजम ना आया,
जिहड़ी चीज़ हजम ही ना आवे तो खराब करन जोगी हुई है। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यों उधर भरों। गुरु दी मत सुन के मेरे अंदर आत्मक जीवन दी कुछ भी सूझ नहीं पैंदी, ते सूझ आई नहीं, ते पशु वांग नित अपना ढिड भर लैना सुनदा रोजियां। देखो गुरु साहब कहने सोहने बचन करदे मन नूं पए ठोकरदे ने, सुनदा कहना रोजियां, ते पशु भी रोज अफरदा है, रोज ही खांदा है। कहन लगे जिहड़े पशु खा के अगरी दा करके खुरनिया नूं वेलियां दुध दी चूली ना देन, फिर वह की वड्याई कर सकदे उहनूं, फिर घरों कढ़िया ही जांदा भी तू दुध तां दे नहीं सकदी, कारण की तैनूं खवाएदा, फायदा की तैनूं खवाएदा। गुरु जी कहन लगे ज्ञान बहुत सुनदा है ते इत्थे आके बचन बहुत सुनदा है। कहन लगे जे पशु वांगू बिरती होई रही भर के पेट पशुआं वांगू चला गया, तेरे अंदर अमृत दी की छिटांग भी ना दिसी। कहन लगे पशु वर्गा जीवन है, जिवें तोकड़ पशु, तोकड़ अजे भी कहन लगे कुछ कुछ चूड़ियाँ दुध दी मिल जांदियां ने, उस तो बाद जिहड़ा बांझा हो जाए सारे पास्यों उहदे तों की आस कीती जा सकदी है। अगे बचन विच कहन लगे कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पत तरों बिरद पछानो। कहन लगे मैं विकारी तदों ही संसार समुद्र तो पार लंघ सकदा हाँ जदों तू अपना मुढ़ करीमा जानेगा, प्यार करेगा अते सुभाव चेते रख, परमात्मा दा सुभाव बख्शन वाला है, डरी ना जाया कर, जुड़न नाल पता लगेगा सच दा। फिर गुरु जी कहन लगे मन रे प्रभ की सरन विचारो। तो फिर आप कहने भी साढ़े ना पहला किते हुए काम कर्म पाप ये जिन्हें की पता बख्शे जावांगे कि नहीं, कुछ आ समझ के भी पिछे हट जाने भी चलो जेड़ा हो गया तो हूँ असी बख्शे नहीं जा सकते। तेग बहादुर साहब कहन लगे नेड़े तो बख्शन की किड्डी को गल है, मन रे प्रभ की शरण विचारो, प्रभु की शरण विच विचर के देख, ध्यान धर। हुण जो ध्यान धरन की गल हुंदी है तो कहन लगे गणकां नूं किते परमात्मा ने तारिया नहीं, जिन्हों दीन दुनिया दे लोग पापी हुई कहिंदे सन, जिहदा रहना बहना वेशवां वाला सी वेशवा दा, कहन लगे शब्द ने किते उहनूं नहीं तारिया। ध्यान दे तू आप नूं कहन वाले भी मेरा कुछ नहीं हो सकदा है, हौसला ना सुट, हौसला कर जरा, हौसला इंसान नूं बहुत गांह तीं लै जांदा है। जय सिमरत गन का सी उदरी ताको जस उर तारो, जिनू सिमरन दे नाल गन का उदर गई, राम राम कहन दे नाल कहन लगे गन का बेशवा भी तर गई, प्यारे तू क्यों ना तरेगा, अंदरों डगमगावे ना। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन अर निरभय पद पायो, ध्रुव भी उधर गया निरपै पद पा लिया, डर तो रहत हो गया। दुख हर ताहे बिदको स्वामी तैं काहे बिसराया, कहन लगे इन्हां ने चेते कीता सी जे गनका कहिंदी मेरे कर्म इहो जिहे ने, कहा भी सी उहने भी मे बाबा जी साधु जी मेरे कर्म ही ऐसे ने, मैनू नहीं लगता मैं प्रवान होवां, अत दी मैं पापणिया, मेरे कर्म मंदे तू भी मंदे ने, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्हें आख्या सी कह के ता देख तू तोते नूं रटाई जा तू भावें ना जपी, तो जुड़ उहदा अंदर भी गया रटदे रटदे। कहन लगे ओ जप के पार उतर गई ते तू अपने मन चों क्यों भुला दिता, तू विसराया क्यों है, दुख हरता ए बिद को स्वामी, दुख हरदा है भावें बेशवा का दुख है, भावें पाती का पापी का दुख है, भावें किसी प्रकार का दुख हरदा है, तू बिसरा के बैठा है। जब ही सरन गही किरपा निद गज गरा ते छूटा, जदों तेरे शरण दे अंदर परमात्मा जी बेनती कीती, हाथी ने ते तंदुए दे पकड़ तो उन्हूं तू छड़ा लिया सी, क्यों ओ परमात्मा मैरामा वाला छड़ा लैंदा है, पहल तेरी अरदास कर, क्योंकि जो बचना है अरदास दे ही ने। फिर बेनती कीती
महिमा नाम कहा लाओ बरनो राम कैत बंधन ते टूटा। मैं कितों तक परमात्मा दे नाम दी वड्याई दसा। गुरु तेग बहादुर कहन लगे कितों तक दसा, अंत तां कोई नहीं, पर परमात्मा दा नाम उचार के हाथी तो बंधन टुट सकदे ने। जो हाथी नूं छड़ा सकदा है ते कहन लगे प्यारे वो अपने हाथ दे नाल इन्हां बंधना नूं तेरे तोड़ देगा। जेड़े बंधना तू सोच के कहना मेरा कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि ध्यान दे शब्द ने। फिर कहने लगे मैं पापी बहुत आ गया। पहला तो प्रसंग दिता सी गनका दा, वो एक स्त्री सी, हुण अजामल भी एक पापी सी। अजामल पापी आ भी वेश्वा दे वेड़े जांदा, आ एक पुरश सी, पहला कि स्त्री दा विच वचन कर दिता, हुण एक पुरश दा कहन लगे। फिर मन विच आउंदा कईआं दे वी पहला गनका दा नां ता लै दिता, भी पुरशां लई की किया। फिर गुरु साहिब कहन लगे आ अजामल नूं समझ। अजामल कहिंदे अत दा पापी हो गया, इहनूं पिंड तों भी कढ दित्ता सी लोकां, भी तेरा कर कम माड़ा है, आप तू कम चंगा नहीं कीता, तू माड़ा कम कीता है, इस करके ना इहनूं पिंड तों कढ दो। जदों दूजे घर दे विच इहदा पुत्तर पैदा होया, कहन वालिआं कहा साधु जन कहन लगे होता तेरा कुछ नहीं सकदा, इंज कर तेरे पुत दा नाम नारायण रख दे ते की पता तेरा निस्तारा ही हो जाए। ते इन्हें पुत दा नाम अपने दा नारायण रख दिता सी। अंत समा आया जदों आवाज़ तां मारदा सी पुत्र नारायण नूं, पर सुरती टिक गई उस परमात्मा नारायण दे अंदर, ते अजामल पापी जग जानै निमख मैं निस्तारा, निस्तारा कहिंदा उहदा भी हो गया। अखीर विच कहा नानक कहत चेत चिंतामन तैपी उतरै पारा। कहन लगे इस नूं चेतन कर, इस दा ध्यान धर के देख। अजामल तर गया, तुरु निरपै पद पा गया, गनका तर गई। तू हौसला करके देख, हो सकता है। पर गुरु साहब जी की अज जो विचार कर रहे हैं, कल तो विचार करांगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप ही करवा लेन। पर एक शब्द जदों हुण अनाठ शब्दां दे विच, अनाठ शब्द ते 57 ते गुरु साहब ने बेनती की सी, जो आपां भोग दे सलोक पढ़दे आं अखीर बेनती करदे आं, भोग दे सलोकां अंदर आउंदा है गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, कहो नानक भज हरमना जह बिद जल को मीन। कहन लगे तू गुण गोबिंद परमात्मा नूं गौणा कर, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, जन्म अकारथ खोले। इंज इत्थे इह नहीं किहा भी जिहड़ा पिछे तू जन्म बीत गया तेरा हुण तेरा कुछ नहीं बन सकता, भी देसी जी बोली दे विच तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। इंज गुरु साहब ने जवानी कही, इत्थे बचन समझण की कोशिश करिए। उन्होंने कहा है गुण गोबिंद गायो नहीं, जे जिन्नी जन्म तेरा बीत गया, जन्म का संबंध केवल जन्म लेना नहीं होंदा, जन्म का संबंध जन्म तो लैके मौत तक होंदा है। मौत ते आके बंदे का शब्द बदलता भी यदि मौत हो गई, जन्म तो लैके जिन्ना चर अखीर समय नहीं आया कि जन्म ही है। कहन लगे गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, जिनी जन्म तू जिन्नी तू आयु भोगी है, भावे तू 70 साल का हो गया, 50 का हो गया, 60 साल हो गया, 80 का हो गया, कहन लगे इन्ने का हो गया पिछे जिहड़ी गई, गुरु ने ऐ नहीं कहा भी तेरा बेड़ा गर्क होवे तू कुछ कीता ही नहीं। कहन लगे चल छड्ड परे जिहड़ी गई सो गई, जन्म अकारथ कीन, वह तो व्यर्थ चला गया, पर अगे की करना है गुरु जी करिए। कहन लगे कहो नानक भज हरमना जह बिद जल को मीन, हरी नू भज ते उनू सिमरी भी एवें जिमें पानी ते मच्छी का प्रेम हुंदा। इस नुकते नू जरा समझिए, हुण सिमरना किवें है पानी ते मच्छी। हुण कल दी एक बेनती सी पुछण लग पिया भी तुसीं रोज ही कहिंदे हो भी टुकड़िया विचों जपजी साहब की आवाज़ आई आ किवें सक, जो बंदे दे टुकड़े ही हो जाण उहदे विचों तां फिर खून की धारा निकलदी है ने, तुसीं कहिंदे हो रोज ही भी टुकड़िया चो नाम आवाज़ आउंदी है, जपजी साहब की आवाज़ आई। सो उहनां नूं भी बेनती कर दवां नाल दी नाल ही। देखियो जरा इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा जेहे बिद जल को मीन, प्यार एवें करी जिवें मच्छी पानी नाल प्यार करदी है। मच्छी नूं पुछिए भी तू
पानी विच जीनी है, वह कहन लगी पानी विच जींदी नहीं, असल विच पानी मेरा जीवन है, मैं पानी नू जीनी हाँ, इस करके पानी नू मेरी लोड़ नहीं, मैनू पानी की लोड़ है। सिखा इत्थे देखी वो पानी कहिंदा मैनू मच्छी की लोड़ नहीं, मच्छी कहिंदी पानी मैनू तेरी लोड़ है, तो सिखा ध्यान दई इत्थे गुरु नू भी तेरी लोड़ है, तो गुरु नू भी तेरी लोड़ है, दोनों गल्लां। हुण गल रह गई भी टुकड़िया विच्चों हुण आवाज आई कि ना, पंज क मिंट होर लवांगा, जिहड़े बचन ने आपां सिद्ध कर दईए। कईआं दे मन विच है भी टुकड़िया की आवाज किवें, सो बेनती करदे आं। उत्थे जदों गुरु साहब कहन लगे सिमरी एवें जिवें मच्छी पानी नू सिमरदी है, हुण आपां जदों कहने आ भी सिमरना किवें, पानी नाल जीवन, आपां कहने आ जल ही जीवन है, जदों जल जीवन है, जदों इंसान मंजे ते पै जांदा है, आपां कहने उहनूं चमचा लग गया, पुरातन बोली विच कहिंदे सी जदों बिरध बंदा मंजे ते लैट जाए, मंजा पकड़ ले, उदों फिर चमचे दे नाल मूँह च पानी पाउंदे आ। जदों कहन लगे वह मर जाता, उस तो बाद जिहड़ा पानी उहदे पेट विच जाता है वह परत के बाहर आउण लग पैंदा है, फिर उहदे विच पानी नहीं जाता। कहन लगे इत्थे जल जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि चमचा जदों ज्यौंदा सी उदों तां अंदर जाई गया पानी चमचे नाल, बाद विचों परत के बाहर आउण लग पिया। हुण सिखा सिमरना किवें, मती दास नूं कहा आरे नाल चीरिया गया, पर शब्दां अंदर आवाज आई उहदे शरीर दे अंदर, वह आई किवें सी? एक बचन है भाई गुरदास जी दा, उन्होंने कहा मच्छी दे परिवार वांग जीवन मरण ना विसरै पाणी। मच्छी ज्यौंदियां भी पानी नूं नहीं विसारदी, ते मरियां तों बाद भी पानी नहीं विसारदी। वह बचन कैसा सी? भगत रविदास जी दा बचन करदे कहण लगे मीन पक्कर फंक्यो और काट्यो रांद कियो बहु बानी। पानी विच्चों मच्छी नूं पकड़ के कहण लगे घरे लियांदा, उस मच्छी नूं चीरिया गया। इस नुक्ते वल ध्यान दिओ, जो इस गल दा सवाल दा जवाब है टुकड़िया विच्चों आवाज किवें। मच्छी नूं पकड़िया, मच्छी नूं चीर दिता विच्चों, फाड़ियां कर दित्तियां उहदियां। मीन पक्कर फांक्यो और काट्यो रांद कियो बहु बानी, उहनूं रिन्निया गया, उहदे विच अनेक तरकां दे कहिंदे मसाले पाए गए, अनेक बिथे बानी दा अर्थ अनेक तरीकियां दे नाल, जुगतियां दे नाल, अनेक तरीकियां दे नाल मच्छी नूं मसाले विच भर के तेल विच तलता, उहदे अंदर दा पानी सी। कहण लगे उच मच्छी दा पानी, सब तो पहला मच्छी नूं पानी चों कढ़िया, फिर उहनूं सेक ते तेल अंदर भुन दिता, उहदे अंदर दा जिन्ना भी पानी सी कहण लगे सेक ने अते तेल ने साड़ दिता। फिर जदों इंसान ने उस मच्छी नूं खाधा, ध्यान दिओ मीन पक्कर फांक्यो और काट्यो रांद कियो बहु बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। फिर खंड खंड के निके निके टुकड़े करके मच्छी नूं कहण लगे वह इंसान खा गया। जदों उहने खाधा ना, तो परमात्मा ने कई ढांचे इहो जिहे बनाए ने, कहण लगे जदों खाधा इंसान ने, तो रात नूं उठ उठ के वह पानी पींदा रहा। कहण लगे मेरा मती दास पता किहो जिहा, उहदा इत्थे गुरु साहिब कहण लगे गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत कीन, कहो नानक भज हर मना जह बिद जल को मीन। जे मच्छी पानी नूं प्यार करदी है, कहण लगे इत्थे कटता तेल विच तल दिता, जदों पेट विच भी किसी मनुख दे चला गया, मच्छी पेट विच जाके भी रात नूं पानी पई मंगदी सी। सिखा गुरु नाल प्रेम सिखदा सी इन्ना, टुकड़े ता हो गए पर मच्छी वांगू फिर भी उहदे अंदरों परमात्मा रूपी त्रास नहीं मिटी। वह फिर भी कहण लगे धन गुरु तेग बहादुर जपजी साहब दी धर्म खंड दी बाणी उह पढ़दे रहे सी, सलोक पढ़दे टुकड़े हो गए सी, दो पौड़ियां रह गईयां। कहण लगे फिर भी उह टुकड़िया विच्चों आवाज पूरी आके हटी। कहण लगे इंज है मेरे गुरु का बचन, मीन पक्कर फांकी और काट्यो रांद कियो बो बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। भोजन भी कर लिया, खा भी लिया, पर रात नूं खाण वाले नूं भी तेह लगती रही, ते मच्छी उहनूं भी कहण लगी उठ पानी पी, उठ पानी पी। कहण लगे मेरा मती दास भी उह जिहा सी, टुकड़े तां हो गए फिर भी आवाज़ आउंदी रही धन गुरु नानक, धन गुरु नानक दी बाणी। गुरु साहिब दी चरण कमला नाल इस तरह ही जोड़ के रखियो, होइयां भुलां दी खिमा, गलतियां दी माफ़ी, इन्नियां कु बेनतियां जी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।